ताजा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24, मैं हूं कृतिका। झंडा फहरा कर मनाया अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस केलारस। 135वें अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मई दिवस पर बहादुर सिंह धाकड़ भवन पर प्रसिद्ध मजदूर कर्मचारी नेता नरेंद्र सिंह तोमर ने सेंटर ऑफ इंडियन यूनियन सीटू का झंडा फहराकर मई दिवस मनाया। इस मौके पर बोलते हुए उन्होंने मजदूर दिवस की संघर्ष व कुर्बानी की परंपरा को आगे बढ़ाने का आग्रह किया। माकपा राज्य सचिव मंडल सदस्य अशोक तिवारी ने भी बोलते हुए कहा कि आज हम 135वां मई दिवस मना रहे हैं। आज दुनिया में और हमारे देश में जिस तरह से दक्षिण पंथ की ओर झुकाव हुआ है, उससे तबाही और बर्बादी हुई है। वर्तमान में हमारे देश में कोरोना प्रकोप के चलते 40 करोड़ से ज़्यादा लोग रोजी रोटी के लिए मोहताज हैं, भुखमरी है। केंद्र सरकार इस समस्या का समाधान नहीं कर पा रही है। जनता, मजदूर, किसान परेशान बदहाल है, कोई सुनवाई नहीं है, स्थिति और भयावह हुई है। स्थानीय शक्कर कारखाने में भी कार्यरत कर्मचारी श्रमिक वेतन के लिए परेशान हैं, उन्हें भूखे सोना पड़ रहा है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के मौके पर इन समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि हमारे देश में सांप्रदायिक फासीवादी ताकतें कॉरपोरेट्स के लिए काम कर रही हैं, आम जनता के लिए नहीं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार जिस तरह से काम के घंटे 8 से बढ़ाकर 12 कर रही है, वह अत्यंत निंदनीय है। उन्होंने श्रमिक वर्ग से संगठित होकर किसानों के साथ लेते हुए व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई को आगे बढ़ाने का संकल्प लेने का आह्वान किया। मई दिवस के ध्वजारोहण के मौके पर सोशल डिस्टेंस सहित कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन किया गया। मई दिवस के शहीदों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। प्राइम न्यूज 24 के लिए जितेंद्र तिवारी। मजदूरों की आज हमारे देश में 40 करोड़ लोग हैं, जो लोग मजदूर हैं, श्रमिक हैं, जो संगठित और असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। 40 करोड़ लोग पूरे देश की आबादी का एक तिहाई हिस्सा है जो कुछ भी कर सकता है, लेकिन आज हम अपनी ताकत को नहीं पहचान पा रहे हैं। उसकी वजह से ही आज ये लोग हमारे खिलाफ़ इस तरह की षड्यंत्र और साजिशें कर रहे हैं। तो साथियों, ये लड़ाई अब थोड़ी सी जटिल हो गई है और ये कोरोना प्रकोप की वजह से और भी हालत बहुत ख़राब है। हमारे भाई भुखमरी के शिकार हैं। अभी हम लोग एक मोहल्ले में गए थे, वहाँ पर लोग कह रहे क्या करें भाई साहब, कोई जयपुर से आया है, कोई कहीं से आया है, कोई पूना से आया है, लोग रोज़गार नहीं है, खाने को नहीं है और BPL कार्ड नहीं है। तो हमने कहा ठीक है, आप लोग सूची बनाइए, हम लोग शासन प्रशासन से मांग करेंगे। तो अभी तो हम लोग मिलकर के इस प्रकोप से लड़ेंगे, लेकिन निश्चित रूप से हम लोग जीतेंगे, यही हमारी कामना है। और मई दिवस को हम लोग इसी उत्साह के साथ मनाते हैं और हमारी ज़रूर जीत होगी।